Dear student, welcome to my class. In today's class, we will discuss about the some terms which are associated with organic chemistry. Without knowing about these terms, we could not understand organic chemistry when we studied it in deep manner. और हम जब इसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अगर हमने ये टर्म्स नहीं समझे होंगे तो हमें ये सब चीज़ें आसानी से नहीं समझ में आएंगी। तो आज और इसके बाद के कुछ वीडियोस में हम इन्हीं टर्म्स को पहले डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि जब ये हम प्रॉपर्टीज़ या रिएक्शन मैकेनिज्म या नेम रिएक्शन वगैरह के बारे में जानें, तब ये टर्म अगर आए तो हमें बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े, हम लोग ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर लें। तो आज का हम अपने वीडियो में, अपने सेशन में हम इन्हीं कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। आज सबसे पहले हम जिस टर्म के बारे में बात करेंगे वो है कॉन्जुगेशन। ये टर्म अल्टरनेटर, सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल मल्टीपल बॉन्ड के साथ रेडिकल को भी अगर हम इंक्लूड कर लें, इस सिस्टम को शो करता है जिसमें अल्टरनेट सिंगल या मल्टीपल बॉन्ड होता है या सिंगल मल्टीपल बॉन्ड के साथ रेडिकल है या लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप के सिस्टम को कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को सबसे पहले 1899 में जॉनस थाइल ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इन 1899 जर्मन केमिस्ट जोहनस थाइल इंट्रोड्यूस दिस टर्म। तो केमिस्ट्री में कंजुगेशन से हम क्या समझते हैं, कंजुगेशन क्या है? कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ कनेक्टेड p ऑर्बिटल्स विथ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल which in general lowers the overall energy of molecule and increase स्टेबिलिटी। तो हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिलेशन में कि जो सिग्मा बॉन्ड है या तो वो एस एस ऑर्बिटल से बनेगा ओवरलैप से,
या एस पी एक्स के ओवरलैप से बनेगा या पी एक्स के ओवरलैप से बनेगा। इन जनरल एस एस जो है कार्बन तो हाइब्रिडाइज होके तो हाइड्रोजन तो एस ऑर्बिटल देता है, तो जो कार्बन टू कार्बन है वो इन जनरल पी एक्स से बनता है। तो जो पी वाई पी जेड ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज होके पूरे मॉलिक्यूल में स्प्रेड होते हैं। तो कॉन्जुगेशन में जो डीलोकलाइजेशन है वो इस तरह से है कि एक सिंगल अल्टरनेट उस पर एक सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड या लोन पेयर या रेडिकल आता है। इन जनरल मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट में आते हैं और ये कॉन्जुगेट सिस्टम बनाते हैं। कॉन्जुगेट सिस्टम बनने से होता क्या, जो कॉन्जुगेट सिस्टम है उससे जो मॉलिक्यूल की ओवरऑल एनर्जी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, रिड्यूस हो जाती है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड एज हैविंग अल्टरनेटिंग सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड की जगह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडिकल्स। Maybe part of system. तो ये एक तरह का सिस्टम है जिसे कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं, which may be cyclic, acyclic, लीनियर और मिक्स्ड। तो इसका मतलब यह हुआ कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर में ही ये चीजें मिले, हो सकता है कि रिंग स्ट्रक्चर में भी ये कंजुगेटेड सिस्टम मिले। तो अब कुछ एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये पेंटा 1,3-diene है, 1,2,3,4,5 एटम है इसमें और हम यहां देख रहे हैं यहां मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आया, यहां सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल आया और यहाँ फिर सिंगल। इस तरह से ये अल्टरनेट है जहाँ पे अल्टरनेट सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है।
तो इस टाइप के सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं और इस फिनोमेना को कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये सिनेमल डिहाइड यहां पे भी दे रहे हैं, देख रहे हैं रिंग में अल्टरनेट पे सिंगल और डबल बॉन्ड है और रिंग के साथ जो चेन जुड़ी हुई है यहां पे डबल है, यहां सिंगल है, फिर अल्टरनेट डबल, फिर सिंगल, अल्टरनेट डबल, फिर सिंगल, इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पे हम इन एग्जांपल से यही शो कर रहे हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हो और वो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाए तो उससे उस मॉलिक्यूल की एनर्जी लोअर हो जाती है और वो मॉलिक्यूल और स्टेबल हो जाता है। तो कॉन्जुगेशन को अब हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेते हैं डीलोकलाइजेशन। तो जब हम अपनी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे वहां हमने बहुत बार ये देखा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इतना स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं होता, वो मूव कर सकता है, उसमें मूवेबिलिटी है। उसी मूवेबिलिटी को हम अगर डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म में या वैसे भी इनऑर्गेनिक, तो डीलोकलाइजेशन कहते हैं, यानी एक पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर जा रहा है। जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें ये बहुत क्लियर था कि एक पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और वो पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सबके साथ, उन सबके इन्फ्लुएंस में रहेगा या वहाँ पे डीलोकलाइज रहेगा। तो डीलोकलाइजेशन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाया जाता है और साथ साथ बहुत सारे फिनोमेना रिजोनेंस वगैरह के जो क्लियर किए जाते हैं वो डीलोकलाइजेशन के बेस पे क्लियर किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इन नट एंड शेल इट इज मोबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई बॉन्ड क्या है अगर हम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के टर्म्स में देखें, पाई बॉन्ड इज मेड अप ऑफ लूजली हैंड इलेक्ट्रॉन्स दैट फॉर्म्स ए डिफ्यूज क्लाउड विच कैन बी easily distorted। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, दो एग्जाम्पल, एक सी और सी बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड बनना, सी डबल बॉन्ड,
उसका है और एक सी डबल ओ बॉन्ड का है। तो ये जो बॉन्डिंग है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये पाई बॉन्ड जो है ऊपर नीचे इस लेन के, ये बिल्कुल क्लाउड जो है वो परफेक्ट है, डिफ्यूज नहीं है, और ये शो कर रहा है कि ये नॉन पोलर है बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों पे बराबर शेयर हो रही है, या जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम पे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम एक्सपैंड कर रहा है। ये सी डबल बॉन्ड है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहां सी है, जहां ओ है, यहां जो ऊपर नीचे पाइपलाइन बॉन्ड के क्लाउड है वो डिस्टॉर्टेड है या डिफ्यूज्ड है, डिस्टॉर्टेड नहीं डिफ्यूज्ड है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो टूवर्ड्स ऑक्सीजन मूव कर गया है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलेटिवली ऑक्सीजन एटम पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इन कंपेरिजन टू कार्बन। तो इस टाइप के केस में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये और लूजली वीकन हो गया, और हम इससे ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूवेबल होता है, उसकी मूवेबिलिटी ही डीलोकलाइजेशन को जनरेट करती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड काफी स्ट्रांग है और ये दो एटम के बीच में एक तरह से ग्लू का काम करता है जिससे दोनों एटम एक दूसरे से स्टिक करके फिक्स हो जाते हैं। बहुत रेयर केस में ही सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बहुत रेयर केस में, जब बहुत ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, बहुत रेयर इनकाउंटर होता है ये। तो हम इस जगह देख रहे हैं कि डीलोकलाइजेशन बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स में होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होने की वजह से वो सारे जो उस मॉलिक्यूल में जो भी एटम है उस सारे के सारे एटम्स पे ये मूवेबिलिटीज इलेक्ट्रॉन की आ जाती है जो क्लाउड है, और वो सबके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मूवेबिलिटी एटम की नहीं है, इलेक्ट्रॉन की हो रही है, वो भी पाई ऑर्बिटल में, वो भी पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स में वही मूव करते हैं। यही डीलोकलाइजेशन रिजोनेंस को भी एक्सप्लेन करता है। इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ही एनर्जी लोअर डाउन होके स्टेबलाइजेशन मॉलिक्यूल का होता है। तो आज की क्लास में हमने इन दो फिनोमेनास को डिस्कस किया है, और अपनी नेक्स्ट क्लास में और फिनोमेनास और जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव ए नाइस डे। थैंक्स।